नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सपने हमें जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने हमारे इस जीवन के सफर को रास्ते के साथ साथ मंजिल भी देते हैं, लेकिन ये सपने यूं आसानी से साकार नहीं होते हैं। ये मेहनत, परिश्रम और साहस की कीमत मांगते हैं। 4,280 और सारा खाना खत्म। सोचो यार, 15 दिन में स्टॉल इतनी चल पड़ी है। अब हम केयर फिर होके सुबह शाम ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ निशिगंधा चाची तुम्हारे और कनिका के बदौलत हुआ है। क्या बात है। तो भाई इसी बात पे खाना खा ले, मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शादी से जीवन में भाग्य उदय होता है, लेकिन संजना का भाग्य तो अस्त हो गया था। वो भी एक कर्मठ खिलाड़ी की तरह शादी के बाद भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहती थी, मेडल जीतना चाहती थी, लेकिन ग्रस्त जीवन ने उसके सामने कुछ कठिन चुनौतियां परोस दी। अपनी किस्मत से लड़कर वो गाजीपुर आ गई और अपनी सहेली कनिका के परिवार के साथ कुछ इस तरह से घुल मिल गई जैसे वो जन्म से ही इस परिवार का हिस्सा रही हो। लेकिन उसके जीवन में आगे क्या होने वाला था, इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। तो वही लड़की लग रही है जिसकी मिसिंग कंप्लेन निशिकंदा जी ने लिखवाई थी। जी सर, संजना कनिका की फ्रेंड। सर लगता है मर्डर हुए काफी टाइम हो चुका है, बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो गई है। सर ये देखिए, गले के नीचे किसी तेज धार वाली हत्या से वार किया गया। खोलो। हाथ पैर के निशान देखो, बहुत कस के बांधा गया, उभर गए। सर निशान देख के लग रहा है कि पहले बांधा गया था और फिर मारा गया। आसपास चेक किया कोई मर्डर वेपन? हाँ सर चेक किया, कुछ नहीं मिला। फोटोग्राफर्स की टीम बुलवाओ और क्राइम सीन की अच्छे से फोटोग्राफी करवाओ। निशिकंदा शर्मा को इन्फॉर्म करो और पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर और राजीव, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर से बोलना कि सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल भी चेक करें। जी सर। वो शादीशुदा थी? जी, उसका ससुराल गोरखपुर में है। कनिका, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? सर, मैं और संजू, संजना, हम दोनों नेशनल यूथ चैंपियनशिप में मिले थे। वो अंडर 16 कुश्ती खेलती थी और मैं एथलेटिक। हमारी तब से फ्रेंडशिप हो गई थी। निशिकंदा जी, ये सारी बातें आपने मिसिंग कंप्लेन में नहीं लिखवाई थी। अगर संजना शादीशुदा थी तो आपके घर में क्या कर रही थी और कब से थी? सर उसके पति और उसकी सास उसे बहुत मारते पीटते थे। उसके पति ने तो अपने भाई से उसका रेप भी करवाया था बच्चे के लिए। कोरोना महामारी से आज दुनिया भर में दहशत है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, पर मेरी मौत की वजह एक ऐसी बीमारी बनने वाली थी जिसका इलाज इंसानी दिमाग कभी नहीं ढूंढ पाया। अब हम तुमसे डरने नहीं वाले, समझे? अच्छा, तो हमारी बिल्ली हम पर ही पंजा मारेगी? हमने कभी सोचा भी नहीं था हमें तुमसे ऐसे बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति इस कोरोना के संकट से जूझ रही है, लेकिन हमारा देश कोरोना के अलावा कई और वायरसेस से भी जूझ रहा है, जैसे कि अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, अन्याय, गरीबी और महिलाओं पर अत्याचार।
ये सब ऐसे वायरस हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज को बीमार करते जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार करने वाला वायरस, जो कि सबसे खतरनाक वायरस है, इसने महिलाओं के अस्तित्व को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी वायरस के कारण महिलाओं को आए दिन महिला होने की सजा भुगतनी पड़ती है। आज का ये केस इसी वायरस से जुड़ी एक कहानी है। शंकर का बेटा मंटू, उसके पास बाइक है ना? हाँ। तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखो, ठीक है? और अगर वो वापस आ जाए तो हमको फोन करना। जी पापा। वायरस की पहले लॉकडाउन की रात में जब पूरे देश में कर्फ्यू था, तब एक परिवार के दो भाई बहन कुसुम और बबलू लापता थे। उनके पिता रामनाथ उनको ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और उनकी मां दुर्गा और बहन शीतल सकते में थे। और सुबह होते होते पुलिस भी बबलू और कुसुम की तलाश में जुट गई। जब आप लोग को मालूम है कि शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर नहीं निकलना है, तो कुसुम को रोकना चाहिए था ना? सर, वो कुसुम के लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया था। वो मारुफगंज अपनी सहेली से चार्जर लेने के लिए ही गई थी। किस सहेली से? ये तो हम नहीं जानते। अच्छा, कुसुम तो मारुफगंज गई थी, तो यहाँ अनिसाबाद कैसे आई? यही बात हम भी कुसुम से फोन पे पूछे थे। पर कुसुम, तुम तो मारुफगंज जाने वाली थी ना, तुम्हारी स्कूटी अनिसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको फुलवारी शरीफ में 2 मिनट का काम था, सोचा वो भी निपटा ले। अच्छा तुम रुको, हम बबलू भैया को फोन करके बोलते हैं, वो तुम्हें अनिसाबाद से पिक कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। हेलो, अरे का आफत है शीतल, काहे फोन कर रही हो? भैया वो कुसुम का स्कूटी है ना, अनिसाबाद में खराब हो गया है, आप उसको पिक कर लेंगे? तो यहाँ बबलू अनिसाबाद में कुसुम से मिला था? सर हमको नहीं मालूम, हमने जब दोबारा फोन किया तो दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुसुम फुलवारी शरीफ किससे मिलने गई थी? ये तो वो नहीं बताई थी हमको। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम आप लोगों से सच छुपा रही हो? हो सकता है कुसुम का किसी लड़के साथ अफेयर चल रहा हो। ये क्या बोल रहे हैं साहब, हमारी कुसुम ऐसी नहीं है। सर वहाँ पे एक फीमेल का सैंडल मिला है, उस पे खून के धब्बे भी हैं। हाँ सर, ये देखिए सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.